आज मैं आप लोगों के साथ एक कंप्लीट स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी जो सभी स्किन टाइप के लोग फॉलो कर सकते हैं और सारे प्रोडक्ट्स लोकल पाकिस्तानी ब्रांड से हैं जो बहुत ही अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। Hi, I'm Madiha. I'm a PhD in chemistry and I work in cosmetic industry. इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ साइंस बेस्ड प्रोडक्ट रिव्यूज शेयर करती हूँ, ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूँ एंड आई टॉक अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू स्किन केयर। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द स्किन साइंस कम्युनिटी। एक अच्छी स्किन केयर रूटीन का आगाज होता है एक अच्छे क्लिनजर के साथ। चेहरे को पोल्यूशन, डस्ट, बैक्टीरिया, एक्सेस ऑयल और सीबम से साफ करना और एक क्लीन कैनवस क्रिएट करना ताकि बाकी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपकी स्किन में अच्छे से जज्ब हो सकें। प्रॉपर क्लिनजिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ऐसे क्लिनजर्स यूज करेंगे जिनके अंदर बहुत ही हार्श सरफेक्टेंट्स हों या साबुन से फेस वॉश करेंगे तो वो आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। तो क्लिनजिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी डरमाइव मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश। ये एक पाकिस्तानी फार्मा कंपनी है जेनफार्म, उनका क्लिनजर है। इसकी कीमत है सिर्फ 1198 रुपये। बहुत आसानी से फार्मेसीज से भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं और इसके अंदर आपको मिलेगा 100 ml प्रोडक्ट। इस क्लिनजर का बहुत ही जेंटल फार्मूला है, नो हार्श सरफेक्टेंट्स, नो SLS, नो SLES। इसके अंदर बहुत ही माइल्ड सरफेक्टेंट है डेकिल ग्लूकोसाइड जो बिल्कुल भी स्किन को इरिटेट नहीं करता और ये सभी स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रेग्रेंस फ्री भी है तो ड्राई स्किन वाले और एक्जिमा प्रोन स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इवन बच्चों के लिए भी ये क्लिनजर सूटेबल है। इस क्लिनजर के अंदर जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लाइक ग्लिसरीन, एलोवेरा, सोडियम हाइलुरोनेट, तीनों हिमेक्टेंट्स हैं और स्किन के लिए बहुत हाइड्रेटिंग होते हैं। इसके अलावा इसमें सिरामाइड्स हैं और जिंक PCA शामिल है। जिंक इज़ वेरी गुड टू मिनिमाइज रेडनेस इन योर स्किन। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी जेंटल एंड माइल्ड क्लिनजर एंड सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। क्लिनजिंग के बाद स्किन केयर रूटीन में सेकंड स्टेप होता है सीरम का इस्तेमाल। सीरम लोग बहुत सारे रीज़न से इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रेशन के लिए, ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए या फिर हाइपर पिगमेंटेशन को फेड करने के लिए। मैं आपको जो सीरम रेकमेंड करूँगी उसका नाम है एप्सीमा सीरम और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। इसके ऊपर लिखा है कि ये एंटी एजिंग सीरम है बट यू कैन गेट ए लॉट मोर आउट ऑफ दिस सीरम। सभी स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत हो और ये बाकी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ भी आसानी से मैच कर जाता है। इस सीरम के अंदर 5% एप्सिमा है विच इज ए ब्लेंड ऑफ ग्लिसरीन एंड जैपनीज सीवीड प्लांट एक्सट्रैक्ट। जैपनीज सीवीड प्लांट के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये फाइन लाइंस, रिंकल्स और स्किन सैगिंग को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आपकी स्किन को प्रीमेच्योर एजिंग, सन स्पॉट्स और फोटो एजिंग से भी बचाता है। इस सीरम के अंदर 2% गैबा है विच इज गैमा अमीनोब्यूटारिक एसिड। इट्स अ वोंड हीलर एंड अ मसल टोनर। ये आपके डैमेज्ड स्किन बैरियर को रिकवर करता है, आपकी स्किन को प्लम्प करता है और आपकी स्किन को थोड़ा टाइट कर देता है। दोनों ही इंग्रेडिएंट्स प्रीमेच्योर एजिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे हैं, स्किन को टाइटन अप करने के लिए, प्लम्प करने के लिए बहुत अच्छे हैं। इफ़ यू आर इन योर 20s यू कैन यूज़ दिस सीरम। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं जैसे कि विटामिन C। इसके अंदर है सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट जो एक एंटीऑक्सीडेंट भी है और ये आपकी स्किन को थोड़ा ब्राइटन अप भी करता है। इसके अंदर अल्फा आर्बुटिन भी है विच गिव्स यू अ स्किन लाइटनिंग इफेक्ट। ये आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को और एक्ने मार्क्स को फेड करता है। स्किन को मजीद हाइड्रेट करने के लिए इसमें है सॉर्बिटोल विच इज़ ए फॉर्म ऑफ शुगर। इट अट्रैक्ट्स वाटर एंड मॉइस्चर इनटू योर स्किन। इसके अंदर है ग्लिसरीन, सोडियम हाइलुरोनेट एंड स्क्वालिन। सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, फ्रेशन अप करने के लिए। इसके अलावा इसमें फेरुलिक एसिड भी है विच इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। ओवरऑल पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत अच्छी है, सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत इफेक्टिव हैं। आई वॉज अमेज्ड व्हेन आई चेक्ड आउट दिस प्रोडक्ट कि कोई तो पाकिस्तानी ब्रांड है जो इनोवेशन पे फोकस कर रही है और कुछ नए इनोवेटिव स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स इंट्रोड्यूस करवा रही है, लाइक जैपनीज सीवीड एक्सट्रैक्ट एंड 2% गैबा। You should definitely give this a try. If you are in your 20s and you want to protect your skin from premature aging, then add this serum into your skincare routine. और इसको आप बाकी ingredients के साथ भी आसानी से pair up कर सकते हैं। अच्छा, serum आपने लगा लिया, आपकी skin hydrate भी होगी, आपकी skin थोड़ी brighten up भी होगी, anti aging benefits भी आपने अपनी skin में add कर लिए। अब आपने इन सारे benefits को retain करके रखना है और वो हम करेंगे moisturizer के साथ। Moisturizer आपकी skin पर एक protective layer बनाता है जो आपकी skin से से मॉइस्चर को इवेपोरेट होने से रोकती है और आपकी स्किन से ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को कम करता है। इसलिए मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना। आपकी जो भी स्किन टाइप है, ऑयली ड्राई कम्बिनेशन, मॉइस्चराइज़र इज़ अ मस्ट। और मॉइस्चराइज़र में आपको रेकमेंड करूँगी डर्माइव सेंसिटिव मॉइस्चराइज़र। इसकी कीमत है 998 रुपये और ये फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइज़र है। लास्ट टाइम मैंने जब ये मॉइस्चराइज़र शेयर किया था तो कुछ लोगों को कंसर्न था कि इसके अंदर फ्रेग्रेंस होगी, क्योंकि जेनफॉर्म के कुछ एक दो और मॉइस्चराइज़र्स हैं जिनके अंदर फ्रेग्रेंस है, लेकिन इस मॉइस्चराइज़र के अंदर बिल्कुल फ्रेग्रेंस नहीं है। मैं आपको गारंटी देती हूँ क्योंकि मैंने खुद पर्सनली ये मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, इसके अंदर बिल्कुल कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, एक्जिमा प्रोन है, इवन नॉर्मल स्किन टाइप भी है, या आपका स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये मॉइस्चराइज़र आप ज़रूर यूज़ करें। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो स्किन को काम डाउन करते हैं, स्किन को सूदिंग इफ़ेक्ट देते हैं और आपके कॉम्प्रोमाइज्ड स्किन बैरियर को ये ठीक करते हैं। ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो ये आइडियल मॉइस्चराइज़र है। इतने ज़्यादा बेनिफिट्स के साथ, वो भी फ्रेग्रेंस फ्री, इतनी कम कीमत में मॉइस्चराइज़र आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, ये आपके कॉम्प्रोमाइज्ड और डैमेज्ड स्किन बैरियर को ठीक करता है और ये मॉइस्चराइज़र बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि सर्दियों में तो सभी स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन, कम्बिनेशन स्किन वाले लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। गर्मियों में शायद ऑयली स्किन वालों को ये थोड़ा सा हैवी फील हो, लेकिन विंटर्स में सभी स्किन टाइप्स वाले लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इस मॉइस्चराइज़र की इनकी लिस्ट की मैं बात करूँगी। इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अंदर ओट्स हैं जो आपको अबीनो के प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। ये आपकी स्किन को ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करते हैं। इस मॉइस्चराइज़र के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जिनके अंदर बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेरे फेवरेट उनमें से हैं सिंटेला एसियाटिका और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। दोनों ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, आपकी इरिटेटेड और इची स्किन को ठीक करते हैं, स्किन को काम डाउन करते हैं। इसके अलावा इसमें मलबेरी एक्सट्रैक्ट भी है और एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी है। इनके अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक और बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है इस मॉइस्चराइज़र के अंदर, एर्गोस्टेरॉल। ये एक फैटी मॉलिक्यूल होता है, कोलेस्ट्रॉल लाइक मॉलिक्यूल है और ये स्किन के लिए बहुत सूदिंग और मॉइस्चराइजिंग होता है। एक और इंग्रेडिएंट इसके अंदर है ग्लैक्टोरेबिनन, जो कि एक शुगर की एक टाइप है और ये ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को कम करती है। स्किन को थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट देने के लिए, पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, फेड आउट करने के लिए इसके अंदर है डायमेथिकोन एंड आइसोप्रोपाइल पाल्मिटेट। ये स्किन को बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ टच देते हैं और प्रोडक्ट की फील को बेहतर बनाते हैं। ओवरऑल पूरी इनकी लिस्ट बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। आई लव दिस मॉइस्चराइज़र। मैं इसको पिछले 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ ऑल्टरनेटिवली विद माई अदर प्रोडक्ट्स और मुझे ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा लगा है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट टू यू गाइज। ये स्किन को काम डाउन करने के लिए, स्किन की इरिटेशन, रेडनेस को कम करने के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। स्पेशली अगर आपका स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है या आपने पहले कभी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया, आप बिल्कुल न्यू हैं स्किन केयर में और आप कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र देख रही हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गिव दिस मॉइस्चराइज़र अ ट्राई। सिंपल नो फस स्किन केयर रूटीन है। सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स आप लोगों को चाहिए। दैट्स ऑल यू नीड एंड योर स्किन केयर रूटीन इज कंप्लीट। सभी प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल हैं और लोकल पाकिस्तानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं और 3 प्रोडक्ट्स के अंदर आपको इतने सारे अच्छे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं। आपको हाइलुरोनिक एसिड भी मिल रहा है, अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रीमेच्योर एजिंग से बचाने वाले प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। आपको इन्फ्लेमेशन और कॉम्प्रोमाइज्ड स्किन बैरियर है, उसको ठीक करने के लिए भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं। एंड इट आल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट विल प्रिवेंट ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस फ्रॉम योर स्किन, तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड और प्लम्प्ड भी रहेगी। तो बहुत सिंपल स्किन केयर रूटीन है, बहुत अफोर्डेबल है और सारे प्रोडक्ट्स इजीली एक्सेसिबल हैं। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल। और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल क्योंकि आगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ आएंगे और बहुत सारी स्किन केयर रूटीन्स में आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो कर लें। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर मैं डेली वीडियो डालती हूँ, डेली कॉन्टेंट आता है और इंस्टाग्राम और टिकटॉक दोनों का डिफरेंट कॉन्टेंट होता है, तो आप दोनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।